नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य भगवान हमारे जीवन में रोशनी पैदा करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, तो हम आप लोगों के लिए ऐसा ही एक उपाय लाए हैं जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। आप इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही बाधाएं परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे आपके घर में धन नहीं टिकता है, हर मार्ग से पैसा आना बंद हो गया है, पैसा आता भी है तो तुरंत ही खर्च हो जाता है, घर में कर्जा से डूबा हुआ कोई इंसान है, घर में कर्ज बढ़ गया है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपको बहुत जल्द कर्ज से भी मुक्ति दिलाएगा और आपके घर में धन आने के मार्ग भी खोलेगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल उपाय बताने वाली हूँ कि रविवार के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो। रविवार के दिन आप चिड़िया को अवश्य दाना डालें। आपके घर के आसपास चिड़िया नहीं दिखती है। कई लोग बोलते हैं हमें चिड़िया नहीं, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते तो चिड़िया कहाँ से दिखेगी। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ आप अपने घर की छत पर या फिर ऐसी बालकनी हो वहाँ पर आप एक कटोरी में या फिर मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा अनाज, गेहूं, चावल या कोई भी अनाज, कच्चा अनाज आप रख दें, एक मुट्ठी रख दें या थोड़ा सा रख दें, कुछ दाने रख दें और एक पात्र में आप जल रख दें। ऐसा आपको पक्षियों के लिए करना है। सूर्य भगवान आप पर बहुत जल्द कृपा बरसाएंगे, पक्षियों को दिल से संतुष्टि मिलेगी। कई ऐसे पक्षी होते हैं जो दिन रात भूखे प्यासे भटकते रहते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना टेक्निकल जमाना है और इन दिनों में जंगल नष्ट होते चले जा रहे हैं, नदी तालाब सूखते जा रहे हैं, जगह जगह बिल्डिंगें बन गई हैं, तो उन जानवरों पक्षियों को आप दाना जरूर डालें, क्योंकि वे भूख प्यास से मरते तड़पते रहते हैं। अगर आप उन्हें दाना डालेंगे, पानी पिलाएंगे, तो उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। बहुत जल्द आपको ये असर आपके जीवन में जरूर नजर आएगा। आप धन से संबंधी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य भगवान अपनी रोशनी से लोगों की प्यास को बढ़ाते हैं और आप लोगों की प्यास को बुझाएंगे, तो आप उन्हें उनकी दुआओं के पात्र होंगे। आपकी दुआ उनकी दुआएं आपको लगेंगी और उन दुआओं से आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। रविवार के दिन आपको जूते चप्पल अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि गर्मियों के दिन में तपती धूप में कोई व्यक्ति नंगे पांव चलता है, तो आप भी अगर चल के देखेंगे तो कितना गर्म महसूस होता है। आप उनकी पीड़ाओं को हरेंगे, उन्हें चप्पल का दान देंगे, तो आपको उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। कहीं ना कहीं कोई आपकी दुर्घटना घटने वाली है या कुछ भी हो, तो उनकी दुआएं आगे आ जाएंगी आपके साथ में, उनकी दुआएं आपके साथ लगेंगी और उनकी दुआओं के बदौलत ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आपकी मुसीबतों के सामने दूसरों की दुआएं जब आती हैं तो उससे आपको लाभ ही मिलता है। अधिक से अधिक लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने ओढ़ने को नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं रहते, उन्हें आप पीले कलर के वस्त्र दान करें। पीले कलर के वस्त्र भगवान सूर्य को अधिक प्रसन्न करते हैं। अगर आप दान करना चाहते हैं किसी को वस्त्र वगैरह, तो आप अपने पुराने वस्त्र भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है रविवार के दिन। रविवार के दिन किसी को भी आप वस्त्र दान करेंगे तो लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर सुख संपन्नता आती है। सूर्य भगवान को पीली सरसों अर्पित करें। आप जब भी भगवान को सुबह नहा कर ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है, रविवार के दिन आप जल्दी उठें और जो जल का पात्र है वो तांबे या फिर पीतल का पात्र लें, उसमें आप शुद्ध जल डालें और उसमें लाल और पीले कलर के फूल डालें और सरसों के कुछ दाने डालें। सरसों पीली वाली होनी चाहिए और थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़ या फिर शहद डाल सकते हैं, उस पानी को मीठा करना है और आप सूर्य भगवान को उससे अर्घ दें। इससे आपके जीवन में धन की बहुत जल्द प्राप्ति होगी। यह उपाय हम एक बार और बता चुके हैं, कई लोगों को इससे लाभ हुआ है, उन लोगों ने हमें रिप्लाई भी किया था। आप लोग अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर कई ऐसे उपाय डाले हैं जो आपके काम आ सकते हैं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी हम कई उपाय डालेंगे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंचे। दोस्तों सारे उपाय काम के हैं, आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।